हेलो एंड वेलकम टू टैलेंट ई लर्निंग। टैलेंट ई लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम पहले दो वीडियो में पढ़े थे, बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी, तो उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम डेसिमल टू ऑक्टल नंबर को हम पढ़ने वाले हैं। डेसिमल टू ऑक्टल और हेक्साडेसिमल टू डेसिमल या डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, ये दोनों पार्ट को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो हम बेसिक कंसेप्ट को देखते हैं। हमने बताया था कि डेसिमल जो नंबर होता है उसकी बेस क्या होती है, बेस 10 होती है। तो उसी तरह से ऑक्टल नंबर होगा उसकी बेस क्या होगी, 8 होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। और डेसिमल नंबर जो हमारा होता है 0 to 9 तक जाता है, और ऑक्टल नंबर जो है 0 to 8 तक जाएगा मैक्सिमम। तो ये था कंसेप्ट। बाकी हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये पूरा मेथड उसी तरह से रहेगा जैसा कि पिछले वीडियो में, हाँ बस चेंज हो जाएगा बेस और कुछ नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम आज का पहला एग्जांपल ये है, इसमें हम दोनों एग्जांपल ले लिए, फ्रैक्शन पार्ट को भी और नॉन फ्रैक्शन पार्ट को भी। जैसे ये हमारा डेसिमल नंबर है, ठीक है, जिसका बेस 10 है, हमें इसे ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो हमने बताया था कि ये जो 37 है, ठीक है, इसे इसके बेस से कंटिन्यूस हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम रिमाइंडर लिखते हैं, ठीक है। तो 8 से कितने बार में जाएगा, 8 का टेबल पढ़िए, 8 चौके 32, 32 हो जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 5, ठीक है। अब चूंकि ये 4 जो है 8 से छोटा है तो ये जाएगा नहीं। अब तो यहां से हम बताए थे कि आपको नीचे बॉटम टू टॉप लेना है, बॉटम टू टॉप, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे कि 37 का हमारा ये डेसिमल नंबर सिस्टम था, ये ऑक्टल नंबर में होगा 4 5, ठीक है, 4 5 ये होगा हमारा ऑक्टल नंबर में। अब सेम हमने इसका बताया था कि पॉइंट के बाद जो होता है उसको कैसे कन्वर्ट करते थे, तो जो बेस था उससे हम मल्टीप्लाई करते थे। तो यहाँ पॉइंट इसका बेस हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो इससे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इससे हो जाएगा 8 5 40, 8 2 16, 4 20, 2 8 6 48, 2 50, ठीक है, ये 50 हो गया। 3 अंकों के बाद दशमलव लगेगा, 3 अंक के बाद दशमलव, तो ये हमारा यहाँ से निकल के आएगा 5। और हमने बताया था जैसे ही इधर कुछ अंक आ जाए तो हमें वहाँ पे स्टॉप करना रहता था, तो ये यहीं तक जाएगा, आगे नहीं जाएगा। तो यहाँ पे हम अगर टोटल की बात करें, 37.625 ये हमारा डेसिमल नंबर था, ये कन्वर्ट होके आया ऑक्टल में 45.5, तो ये हमारा ऑक्टल नंबर में कन्वर्जन हो गया, ठीक है। तो ये बेसिक कंसेप्ट था, और इसको कैसे कन्वर्ट करते थे ये सेम उसी तरीके से हमने किया है जैसे कि पहले वीडियो में हमने किया था, ठीक है। उसके बेस से हम कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं जब तक कि रिमाइंडर छोटा ना हो जाए, ठीक है। तो ये था एग्जांपल। अब हम यहाँ डेसिमल टू हेक्साडेसिमल देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको डेसिमल तो आपको पता होगा कि 0 to 9 तक होता है, लेकिन यहाँ पे हेक्साडेसिमल में थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। हेक्साडेसिमल जो नंबर होता है 0 to 9 तक तो जाता ही है, उसके बाद जो 10 नंबर होता है 11 12 13 14 एंड 15, ये जो नंबर होता है इनका रिप्रेजेंटेशन हम कुछ इस तरीके से, इसको ए से करते हैं, इसे हम बी से करते हैं, इसे हम सी से करते हैं, इसे हम डी से करते हैं,
इसे ई से और 15 को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है, हेक्साडेसिमल में। यहाँ तक तो ठीक है, 9 तक तो वही रहेगा, लेकिन 9 से आगे हमें हेक्साडेसिमल यानी 16 हमें चाहिए, बेस 16, ठीक है, बेस 16 चाहिए। तो 16 तक जाने के लिए हमें 15 तक जाएगा, क्योंकि ये जीरो से शुरू है। तो यहाँ से 10 से लेकर 15 तक इसका अलग नोमेनक्लेचर है, तो हम रिप्रेजेंट अलग करते हैं। 10 को ए से करते हैं, 11 को बी, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई, 15 को ए। तो ये चीज़ आपको याद करके रखना है। और हम बेसिक कंसेप्ट यही है कि डेसिमल का बेस 10 होता है और हेक्साडेसिमल में हम बेस 16 में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। बाकी कन्वर्जन का नियम वही रहेगा, यहाँ 16 में हमें कन्वर्ट करना है, हम 16 से डिवाइड करेंगे। चलिए हम एग्जांपल से देखते हैं। हमारे सामने एग्जांपल है 37.625, वही एग्जांपल है, ये डेसिमल नंबर में हमें बनाना है, हेक्साडेसिमल नंबर में जिसकी बेस 16 है। हमने बताया था ये जो नंबर है उसको हम 16 से कंटिन्यूसली हम डिवाइड करते हैं, या रिमाइंडर को हम लिखते जाते हैं। तो ये कितनी बार में जाएगा, 2 times, 16 दूनी 32, ठीक है, ये 5 रिमाइंडर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 5 रिमाइंडर लिख देंगे। अब चूंकि ये छोटा हो गया 16 से, तो अब हम आगे नहीं कर सकते हैं। तो हमें लिखने के लिए बताया था कि नीचे से ऊपर लिखा जाता है, जिसको हम बोलते हैं बॉटम टू टॉप अप्रोच, बॉटम टू टॉप, ठीक है। तो इसका 37 का हमारा हेक्साडेसिमल नंबर में हम कन्वर्जन कर दिए, तो ये आया हमारा पास 25, ये हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो गया। सेम उसी तरह से यहाँ पे आपके सामने पॉइंट वाले नंबर है 625, तो आपको बताया था कि इसको भी कन्वर्ट करने के लिए हमें जो इसकी बेस है उससे हमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे ही आप 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये नंबर आपको आ जाएगा, वो 5 था, फिर उसका डबल हो जाएगा, यानी कि 10 आ जाएगा ये, ठीक है, आप करके देख लेंगे 10 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें 8 से मल्टीप्लाई किया था, तो ये आया था 5, तो 8 और है, मतलब 8 से दुगना 16 है, तो ये हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो ये 10 आ जाएगा। तो आप स्टॉप करेंगे, क्योंकि पॉइंट की इधर आ गया कोई नंबर, तो यहाँ पे इसके लिए हम लिखेंगे 10, और 10 को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ए से, ठीक है। तो होल पार्ट को अगर हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, 37.625, ये हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है, इसे हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए हो जाएगा 25, यहाँ से 25 37 का उठाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, और ये 625 के लिए हमें 10 आया, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए से, तो ये हमारा हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो गया। तो ये है, कितने आसानी से हम इसे कन्वर्ट कर लिए, आपने देखा सेम प्रोसेस से हमने किया है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। अगर ये वीडियो आपको पहली बार देख रहे हैं, तो पहले का 2 वीडियो आप देख लीजिए, जिसमें हम बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी किए हैं, उसमें पूरे कंसेप्ट के साथ क्लियर किए हैं। अगर आपको कंसेप्ट में कोई दिक्कत आ रही है, तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और है हमारा। यहाँ पे ये डेसिमल नंबर है, इसे हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सेम उसी तरह से ये जाएगा, 253 है, तो हम इसको हम फिर से ये 16 से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। कितने बार में जाएगा ये, एक बार में 16, इसे भाग देते हैं, एक बार में 16, ये हो जाएगा 9, ठीक है, 93 हो जाएगा, 85, 16, 16, 16, 5 times, 80, ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब चूंकि ये कम है, ये 15 टाइम्स गया, रिमाइंडर हमारा 13 बना, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि हमने 16 से डिवाइड किया था, तो ये हमारा 15 टाइम्स गया और रिमाइंडर हमारा 13 बच गया। तो यहाँ से हम देखें
ये दोनों इस, अब हम इसको लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे बॉटम टू टॉप, क्योंकि ये 15 है, 15 एंड 13 इसे, अब इस तरह से 16 को रिप्रेजेंट तो नहीं कर सकते हैं, तो 15 के लिए हमने बताया था कि F से रिप्रेजेंट कर रहा था, हमने बताया था कि 10 को A से, 11 को B से, 12 को C से, 13 को D से, 14 को E से और 15 को F से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा तो F हो गया, 13 के लिए हम D करेंगे, तो यहाँ पे हमारा 253 जो था नंबर डेसिमल में, ये हमारा कन्वर्ट हो गया हेक्साडेसिमल में एफ डी, ये इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा कन्वर्जन हो गया डेसिमल टू हेक्साडेसिमल में, ठीक है। ये था, अब हम इसका रिवर्स करेंगे कि ऑक्टल टू डेसिमल और हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये आपके सामने है, इसे हम करते हैं, ये हम पढ़ेंगे ऑक्टल, यानी कि बेस 8 से हमें बेस 10 में जाना है, तो इसमें भी वही प्रोसेस रहेगा जो हमने पहले बताया था। हमने बताया था कि ये जो है इसकी वेटेज से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसकी वेटेज क्या है, ये 0 पे है, ये 1 पे है और इधर -1 पावर चढ़ता है, ठीक है। और किस पे, तो बेस पे, तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे ये ऑक्टल नंबर है तो 8 का बेस, ठीक है, बेस ये है और पावर कितनी चढ़ेगी 1 प्लस, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे कितना है 8 बेस, 8 बेस है तो इसकी पावर कितनी चलेगी 0, ठीक है। ये हो गया हमारे डेसिमल पार्ट्स के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ से 16 प्लस, इसकी किसी भी संख्या की पावर 0 रहती है तो 1 होती है, 7 इंटू 1 यानी कि 16 प्लस 7, तो ये हो जाएगा 33, ठीक है, ये 33 आएगा यहाँ से। और उसी तरह से इधर पॉइंट वाले को करते हैं, हमने बताया था कि जो पॉइंट में नंबर है पॉइंट को लिखेंगे इनटू, और माइनस वन है तो 8 के पावर -1, तो यहाँ से आएगा 4 इंटू 1/8, ये 2 टाइम्स कटेगा यानी कि 1/2 आएगा, यहाँ से आएगा ये 0.250, तो हम यहाँ से कन्वर्ट कर देंगे 27.4, ये डैश ऑक्टल में था, हम यहाँ से कन्वर्ट कर दिए डेसिमल में तो ये आ गया 33.5, ये हमारा डेसिमल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा कितनी आसानी से हमने कन्वर्ट कर दिया। हेलो, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, 16 प्लस 7 ये 33 नहीं होगा, ये 23 होगा, तो आप यहाँ पे सुधार कर लेंगे, यहाँ पे आंसर में आपको ये नहीं होगा, 23.5 ये बेस 10 में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा सुधार कर लेना है, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी ऐड करने में, बाकी ठीक था, कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थैंक्स। हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, अभी हमने ऑक्टल टू डेसिमल देख लिया, उसी तरह से ये अगर बेस 16 है हमें चाहिए बेस 10, तो फिर सेम उसी तरह से इसकी वेटेज में ये 0 पे है, ये 1 पे है और ये -1 पे, सेम उसी तरीके से, तो यहाँ पे 3 है, हमें इसका बेस कितना है 16, तो 16 के पावर 1 चढ़ेगा, प्लस 7 है मल्टीप्लाई बाय 16 के पावर 0, ठीक है। तो इसको करते हैं 16 × 48 प्लस ये 1 हो जाएगा तो 7, तो यहाँ से आ जाएगा 8 7
55 आ जाएगा यहाँ से। उसी तरह से यहाँ 0.4 है, तो 0.4 को हम कैसे करेंगे, हमने बताया था कि ये -1 में है इसका पावर, तो 4 × 16 के पावर -1 यानी 4 × 1/16 ये 4 यानी 1/4 है, 1/4 हो जाएगा तो 0.25। ठीक है, तो इसको हम कन्वर्ट करके अगर 37.4 ये हमारा हेक्साडेसिमल में, डेसिमल में चाहिए, तो ये आएगा यहाँ से 55.25 ये है। ठीक है, ये हमारा डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से हम कन्वर्ट करेंगे, सेम प्रोसेस है, पिछले वाले वीडियो में भी वही प्रोसेस था, यहाँ भी वही प्रोसेस है। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं, एक और करते हैं, ये भी हेक्साडेसिमल नंबर है, आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना कि बी ए डी लिख दिया है तो ये हेक्साडेसिमल है या नहीं। मैंने बताया था कि ए को हम 10 लिखते हैं, बी को क्या लिखते हैं 11, आइए 13 को सी, 12 को सी, ये 13 को डी लिखते हैं। हमने बताया था 10 को ए, 12 को सी, 11 को बी, 13 को डी, 14 को ई और 15 को एफ। ये रिपीट हो रहा है, आपको याद हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये है और इसका इसका वेटेज क्या है आप बताइए, 0 इसका वेटेज है, 1 और इसका वेटेज है 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो बी को तो हम बी नहीं लिखेंगे, हम डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए बी को हम 11 लिखेंगे, तो 11 मल्टीप्लाई बाई 16 बेस है तो 16 के पावर चढ़ेगा 2। ठीक है, प्लस यहाँ पे 10 है, 10 × 16 के पावर 1, प्लस यहाँ पे डी है, डी को हम 13 × 16 के पावर 0। तो यहाँ 11 × 256, ठीक है, 16 × 16 = 256 प्लस 10 × 16 = 160 हो जाएगा, और ये 1 होगा पावर तो ये 13। अब क्या करना है, हमें इनको मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं 256 और 256, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 6 = 11 × 5 = 7 = 8 2, यहाँ पे आ जाएगा 2816 प्लस 160 प्लस 13। ठीक है, तो यहाँ पे 160 ऐड करेंगे प्लस 13 ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 6 × 3 = 9, ये 2 × 8 = 9, तो यहाँ से ये आ जाएगा 2989, ये हमारा डेसिमल पार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था ये, बाकी सब ठीक है। तो ये था हमारा कैसे कन्वर्ट था, ये आप घर से करेंगे, ये आपका होमवर्क है, आगे कमेंट में लिखेंगे इसका आंसर क्या होगा, आप जरूर बताएंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि कितनी आसानी से सबको हमने कन्वर्ट कर लिया, पूरा बेसिक कंसेप्ट से हमने डेसिमल टू ऑक्टल, फिर डेसिमल टू हेक्साडेसिमल भी पढ़ा, फिर उसका जस्ट रिवर्स भी बना, दोनों पढ़ने हमने, फ्रैक्शन पार्ट को भी पढ़ा और नॉन फ्रैक्शन पार्ट को भी, होल नंबर को भी हमने कैसे कन्वर्ट किया। तो ये वीडियो बहुत ही यूजफुल है आपको किसी भी कंपिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो and stay tuned for my channel for the next update। और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर, इसकी लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव ए नाइस डे।